जनाब फैसल मॉस्क इस्लामाबाद। आप सब लोगों को याद होगा कि मेरी गाड़ी के अंदर ना प्रॉब्लम आ गया था एबीएस सेंसर का, तो वो मैंने फ्रांस से एक अंकल आ रहे थे उनके हाथ मैंने एबीएस सेंसर मंगवाया। रात को मुझे 2 बजे एबीएस सेंसर मिला और आज सुबह के 10 बजे जाके मैंने एबीएस सेंसर फिट भी करा लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ठीक हो गई है, नो कोर्स नो फॉल्ट सब कुछ चल रहा है, लाइटें इसकी घूम रही हैं। इसकी लाइट्स जो है ना स्टेयरिंग के साथ, जब ये स्टेयरिंग व्हील घुमाते हैं जब लाइटें ऑन होती हैं तो लेफ्ट राइट टर्न के हिसाब से इसकी लाइट्स भी मूव करती हैं, रात को फिर टर्न पे फ़ायदा होता है। फिर इसमें एंगल सेंसर होता है, अगर पीछे गाड़ी में लोड ज़्यादा डल गया डिक्की में तो गाड़ी, आपको पता है डिक्की में लोड ज़्यादा डल जाए तो गाड़ी आगे से ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो इसमें एंगल सेंसर लगा हुआ है ताकि वो गाड़ी फिर लाइटें अगले की बिल्कुल हवा में ना जाएँ, अगले बंदे की आंखों में ना पड़े, तो उसमें वो भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद इसका ट्रैक्शन कंट्रोल काम नहीं कर रहा था, इसका ऑटो होल्ड का बटन है ये वाला, ये बटन काम नहीं कर रहा था, और काफ़ी सारी चीज़ें काम नहीं कर रही थी। मतलब एक एबीएस सेंसर की वजह से पूरे डैशबोर्ड की लाइट्स ऑन हो गई थी। मैंने कहा लो भाई कोई मेजर मसला निकला है, और अली भाई साहब जो है ना उनकी लगी है वाट, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाट लगने से अल्लाह ताला ने बचा लिया, और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला बचाए ही रहे जब तक हम लोग फ्रांस वापस नहीं पहुँच जाते। आज अभी तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट मेरे प्लान के मुताबिक 1 हफ़्ता बाकी रह गया, टाइम ऐसे गुजरे पता ही नहीं चला, और महीने से ऊपर हो चुके हम लोग इधर आए हैं, नहीं महीने से 4 एक दिन कम है, तो टाइम और हम लोग कहीं गए भी नहीं। एक दफ़ा मैं अपने गांव गया हूँ जो कि है जेलम, और अभी तो एक दफ़ा और चक्कर लगाना है। तो बेसिकली ना जाने की वजह ये थी कि गाड़ी की लाइटें ऑन हुई थी, तो दूसरी गाड़ी में मैं जा सकता था, गया हूँ एक दफ़ा, लेकिन फिर मैंने कहा ये ठीक हो जाए तो उसी को एक दफ़ा लेके जाऊँगा। चलो जी, मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था, मुझे बंदा एक बच्चे ने रोका, कहता है अंकल आप पेरिस से? मैं कहा जी, तो रेहान कहता है मैं भी पेरिस से हूँ, तो ये अनमास से हैं स्विट्ज़रलैंड के साथ, जो कौन सी लेक है जी? जी क्या बोलते हैं उसको, जिनेवा के साथ है ना ऐसा कुछ। जनाब आज हम लोग जा रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर, ये देखें हर तरफ झंडे पाकिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के और PTI के। ये बैठे हैं दोनों बच्चे, एक ये बैठा है और एक वो बैठा है, उनके साथ बैठी है। अभी हम लोग पहुंचे हैं तीना क्रॉस करके, बाईपास क्रॉस करके मंगला से थोड़ा सा पीछे, मंगला के KFC पिज़्ज़ा हट, और ये रहा मंगला का कंटोनमेंट। अभी हम पाकिस्तान में हैं, और वो जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है उसकी टॉप पे एक किला है अंग्रेज़ों के ज़माने का, और वो क्रॉस द रिवर है, रिवर जेलम, तो वो है मीरपुर AK। इस इलाके की ये खूबसूरती देखें, अभी ये जो पानी है ये डैम से निकल कर आ रहा है और ये अपर जेलम कनाल है उसके अंदर जा रहा है, और वहाँ से फिर करता करता चलता चलता हैडर सूल में जाके ये दराज जेलम में मिक्स हो जाता है, और ये वो पानी है जिस पे बिजली बन रही है, बिजली के बाद बनने के बाद जो पानी निकला ये वो वाला सारा पानी है।
क्या बातें हमारे मुल्क की। नाचे नहीं करने आता, ये बहुत गहरा पानी है, इसमें बंदा डूब जाए बंदा मिलता भी नहीं है, इतना गहरा पानी है ये। हाँ जी, इसमें बंदा डूब जाता है। नीचे पॉसम, नीचे पॉसम भी है, भूखा भी है, लेकिन यहाँ पानी बंदा मिलता नहीं है। आयजा क्या खा रही है? केएफसी खा रही है। मजे का केएफसी? आयजा को केएफसी मिल गया खाने को और हमें मिल गई एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी ठंडी सी जगह। अभी हम यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, वैसे ही एक मिनट के लिए बैठते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं। पानी की स्पीड इनक्रेडिबली फास्ट, उस साइड से पानी का लेवल ऊंचा और इस साइड से पानी का लेवल, ये गेट्स लगे हुए, यहाँ से नीचे से पानी निकल रहा है और इस तरफ जा रहा है। उस तरफ एक और हेड है जो कि किसी और साइड पर पानी भेज रहा है। और ये है हमारा इरिगेशन सिस्टम। पानी के फ्लो को ऐसा करने के लिए नहर में काफ़ी सारी जगहों पर इस तरह के पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसका हम लोग 10 पुलियाँ बोलते हैं। बेसिकली नीचे दीवार होती है, आपको उसके पास जाके दिखाता हूँ वो कैसा लगता है। पानी की अभी आप स्लोप देखें और मैं भी कैमरे को घुमा रहा हूँ और यहाँ से देखें किस तरीके से पानी और कितनी बड़ी तादाद में, यहाँ आके फील होता है कि कितना मैसिव अमाउंट में पानी आ रहा है। और यहाँ दीवार बनी हुई है, नीचे सारा पानी ऊपर से आता है और उस फ्लो को स्लो करता है और पानी का जो बहाव है वो स्लो रहता है ताकि जो आसपास ज़मीन का कटाव है वो कंट्रोल में रह सके। आयजा इधर आ जाओ। जो ही पानी सा स्लो हो रहा है और काफ़ी सारे ना बुखारात उठ रहे हैं पानी के, तो वो वेपर से उठ रहे हैं, ऐसे लगता है कि आपके मुंह पे छींटे पड़ रहे हैं पानी के, ठंडे पानी के। अभी पानी का फ्लो स्लो हो चुका है। साइड पे जस्ट थोड़े देर खड़े हुए थे हम लोग। यहाँ से आगे थी मेरे बच्चों का, चलो आप लोग पानी सा नहीं पियो। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आज इधर कमाल की गर्मी है, जैसे वाकई कहते हैं ना कमाल, आज तो कमाल ही होगा गर्मी का। कम अज़ कम इस वक्त है तो 37-38 लेकिन फील्स लाइक 46-47। ये हमारे गांव का रास्ता है और साइड साथ एक नहर है अपर झेलम और रोड्स। पता नहीं कुछ ऐसा, पहले यहाँ जलजला आया था तो रोड सारी टूट गई थी लेकिन अभी रोड नहीं बन चुकी है। नहीं,
ये है जी जातना हेड, जातना हेड वर्क्स। आज पानी गंदा नहीं तो यहाँ बड़ी दुनिया नहा भी रही होती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम जेहलम पाकिस्तान। ये मैंने कल यहाँ से स्टिकर बनवाए हैं, इसमें मैंने लिखवाया है यूरोप टू पाकिस्तान रोड ट्रिप, और ये है यूट्यूब का चैनल और फेसबुक का पेज, और ये है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम का अली ऑन द गो वन, और दूसरा है अली ऑन द गो। बहुत प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है। ये जनाब गाड़ी में आज देने आया हूँ, थोड़ा सा इसमें हेल डैमेज था मेरी गाड़ी के अंदर, बोनट पे आगे पीछे और एक बम्पर जो है इसका यहाँ से जब नज़र आ रहा है तो ये ख़राब था। तो परसों चले आना, मैंने कहा जाते जाते पाकिस्तान का फ़ायदा उठाएं, यहाँ से थोड़े सस्ते में गाड़ी ठीक ही हो जाती है और अपॉइंटमेंट को नहीं लेनी पड़ती। वहाँ तो बंदा अपॉइंटमेंट का इंतजार करते करते बंदा मारे जाता और फिर ऊपर से डेफिनेटली महंगी भी होती है। मैं जब इस वक्त आया हुआ हूँ सिनामिक प्रो पे, अभी एक भाईजान को गाड़ी दी है, ये हमारी गाड़ी काम करेंगे, और अभी इनके पास एक C63 खड़ी हुई है कन्वर्टेड और एक डीजल का भी काम हो रहा है। अभी देखते हैं ये डेंट नज़र आ रहे हैं किस हद तक हम लोग इनसे जान छुड़ा सकते हैं। जैसे बम्पर जो वो रिपेयरिंग हो रही है, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करके तो अभी फिर ना पेंट लगाएंगे इसको। मेरी मोटरसाइकिल में 5 बड्डे बैठे हैं, 5 में 4 के मुंह में बजे हैं। ये गाड़ी का उन्होंने बोनट उतार दिया ताकि वो हाथ आराम से डलता, डेंटिंग वगैरह जो भी है जो अच्छी आराम सुकून से हो जाती है। इन्होंने वादा किया वह गाड़ी मुझे देंगे आज शाम को, जिसके मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। पीछे झंडा कितना बड़ा लगाया है इसने, नज़र तारा। ये रही जी हमारी गाड़ी और ये है इसका बोनट, बोनट में डेंटिंग हो चुकी है और जो इसका पिलर है उसमें भी हो गया, बाकी तकरीबन काम हो गया। अभी इसके बाद जाते हैं, देखते हैं कब तक सारा फिनिश होता है, गाड़ी लेके जाएं। ये भाई हमारे, हम इसे जामुन ख़रीद रहे हैं और 300 रुपये किलो दे रहा है। अच्छे अच्छे देने हैं,
तो मैंने इसे कहा 100 रुपये के दे दे, क्यों मुझे गाड़ी में मैंने बैठ के जो खाने खाने। और ये सिर्फ जामुन पूरी दुनिया में पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और किसी जगह पे जामुन नहीं पाया जाता। ये लो जी भाई, नाम क्या आपका? शादी शादी भाई बेच रहे हैं। शादी भाई मज़े क्या ना पाकिस्तान की बहुत मशहूर चौंसा आम है। चौंसा है सबसे सबसे मीठा आम हमारा, कौन सा है? चौंसा है मशहूर आम है पाकिस्तान का। ये वाला आप बता रहे थे? हाँ ये खास बात क्या इसकी? इसमें धागा शागा नहीं होता है, ठीक है, मीठा होता है। सब ये पलों का बादशाह है, सफेद चौंसा आम नहीं है, ये हर जगह पलों का बादशाह है, सिर्फ पाकिस्तान में होता है। और ये पाकिस्तान के किस इलाके से है? ये मुल्तान से। मुल्तान से। और कहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगता? नहीं लगता है, लगता है आम, लेकिन वही मजा नहीं होता। इसके खुशबू चेक करो, खिला देता हूँ आपको, पता नहीं। चौंसा आम की और नस्ल भी है? चौंसा होता है ना काला चौंसा भी होता है, नवापुरी भी होता है, सिंदड़ी भी होता है, नंगड़ा भी होता है, गुलपाचा भी होता है, लाल पाचा भी होता है, पजरी भी होता है, नवापुरी भी होता है। इतने सारे होते हैं सही यार, इतने सारे। हमने तो बस चौंसा ही सुना, चौंसा के आगे खरीद लेते हैं। ये आप मंडी जाएगा ना उधर आपको समझ आएगा। सबसे महंगा फिर लटोर हम है, वो छोटा अनवर लटोर। हाँ अनवर लटोर माशाल्लाह। आप तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ वीडियो बना रहे हैं, इंशाल्लाह इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इसको शेयर करो ताकि भाई का चैनल आगे चला जाए। बहुत शुक्रिया भाई जान। इसको सब्सक्राइब करना, कौन क्या है? अली ऑन द गो। अली ऑन द गो, सीधा यूट्यूब पे जाके इधर लिंक दिया होगा तो, और बेल आइकन को दबाओ, इसको सब्सक्राइब करो।